हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिसित आई ए एस यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग मॉडर इंडिया पढ़ रहे हैं एक रैपिड रिविजन सीरीज़ कर रहे हैं ताकि आपके के एग्जाम के लिए हर चैप्टर का एक सोर्स एक एक पर्टिकुलरली एक सार निकल कर का है सारे का रीजन है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसका एक क्रक्स जो किसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपके एग्जामी क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकता है क्योंकि दोस्तों ये बुक इतनी बड़ी है एंड द बुक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम बुक चाहे सिविल सर्विसेज़ हों चाहे आपके पी एस सीज़ हों इसमें ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप में ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह है लेकिन मॉडर्न इंडिया इतना छोटा तो है नहीं तो इसीलिए बुक इतनी मोटी जाती है लेकिन उसको और ज़्यादा कम्प्रेस करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए और यही मैंने किया है पिछले लेक्चर्स में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितने चैप्टर्स को कितने प्रिसाइस तरीके से बताया है टॉपिक्स को बताया है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज यू सिविल सर्विसेज़ का भी रिजल्ट आया है तो काफ़ी अलग दिन है आज एक पी एस एंड यू सिविल सर्विसेज के लिए जो एक्सपिरंट्स हैं उनके लिए काफ़ी एक अलग दिन है एक आज अलग ही एक माहौल है जो सेलेक्ट हुए हैं और जो नहीं भी हुए उन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं जो हुए हैं उनके लिए तो मैं क्या ही बात बोलूँ जो नहीं हुए हैं आप हो जाएंगे बस भरोसा रखें अपने ऊपर एक वक्त की बात है एक समय की बात है जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी दूसरी बात ये दोस्तों मैं हर लेक्चर से पहले अपना बोलता हूँ कि हम लोगों ने अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज एंड सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं जो कि आप इंडिविजुअली जाकर के ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल एंड एप्ट फॉर योर कमिंग के एस एग्जाम दूसरा दोस्तों ये है कि मैं एक लेक्चर कल दे नहीं पाया ड्यू टू सम रीज़न्स कुछ पर्सनल रीजनस थे मेरे कुछ पर्सनल रीजन्स थे मेरे जिसके कारण मैं नहीं कर पाया दे पाया आप लोगों को तो बहरहाल उन सब चीज़ों को हटाते हैं और आज का लेक्चर चालू करते हैं दोस्तों उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि अब आप जो लेक्चर चालू हो रहे हैं दोस्तों इन चीज़ों को लेकर के ना आपको दिमाग में बस उन पॉइंट्स को एक रट्टा मार के रखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है बस क्योंकि यहाँ पर फिलॉसफी बहुत चलेगी है अब फिलॉसफी और डेटा इतना ज़्यादा बताया जाएगा आप लोगों को जितना आप लोग सुनना पसंद या देखना या रीड करना एक अननेसेसरली एफर्ट होगा मतलब क्योंकि फिलोसफिकल तो हम लोग को सेंस देना नहीं है इस सब्जेक्ट को हम लोगों को इतना पढ़ना है भाई कि जितना एग्ज़ाम में पूछा जाए ठीक है तो जो जो पॉइंट निकलते जा रहे हैं तो उन लोगों को बस याद रखिएगा ठीक है चलिए और ये मैं तो हर लेक्चर में ही बोलता हूँ अपने आप से अब देखिए यहां से है कि रेवल्यूशनरी एक्टिविटी मैं बता चुका हूं आप लोगों की फर्स्ट फेज ऑफ रेवल्यूशनरी एक्टिविटीज अब हर एक चीज का फर्स्ट फेज होता है फर्स्ट फेज इन लाइक कि जहां से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चालू हुई है लेकिन एक थोड़े से लोअर लेवल पे चालू हुई है उतने हाइएस्ट या एक्सट्रीम लेवल पे चालू नहीं हुई है हाँ दे आर कॉल्ड दो दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रीमिस्ट बट इट डजन मीन दैट कि फर्स्ट लेवल और एक्सट्रीम इज लाइक की थोड़ा तो नीचे ही होगा यार कॉमन सेंस वाली बात की थोड़ा तो नीचे ही होगा फर्स्ट लेवल होगा तो थोड़ा नीचे ही होगा उतने वॉलेंट नहीं होंगे है ना ठीक है तो यहाँ से हम लोग चालू करते हैं द फर्स्ट फेज बॉयकट मूवमेंट एंड कंटिन्यूटी नाइनटीन सेवेंटी ये बता चुका हूँ आपको स्वदेशी मूवमेंट जो था वो आपका अच्छा खासा एक वर्ड लिया गया था नाइनटीन सिक्स कलकत्ता सेशन से ठीक है और वहाँ पर जो हमारे दादा भाई नरोजी थे वहाँ पर कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था अब स्वदेशी वर्ड जो है मैं बता चुका हूँ कि स्वदेशी का मतलब क्या होता है मेड बाय इंडिया द थिंग इज लाइक कि आप अपना फील करें अपनी कंट्री को फील करें चीज़ों को बनाई हुई चीज़ों को है ना तो ये था स्वदेशी मूवमेंट का और ये कब तक चला आपका बॉयकट मूवमेंट बॉयकट मूवमेंट मतलब क्या कि भाई जो बाहर के प्रोडक्ट्स थे उन लोगों को बॉयकट कर दिया था हम लोगों ने तो नाइनटीन तक ये लग चला था ठीक है अब मॉडरेट्स का यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने बताया बस कहानी इतनी है कि मॉडरेट्स भाई रेसल्यूजन थे कि भाई पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं हम तो बोल रहे हैं कि भाई थ्री पीस जाएंगे प्रेयर पटिशन एंड प्रोटेस्ट करेंगे उससे सारी चीज़ें हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करवाएंगे नॉन वायलेंट वे से चलेंगे बस ऐसे ही मॉडरेट मॉडरेट करेंगे एक चीज़ें तरीके से मॉडरेट्स वर कॉल्ड एज मॉडरेट बिकॉज मॉडरेट इज अ वर्ड ऑल्सो इन द इंग्लिश इंग्लिश डिक्शनरी एज वेल ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो दी रेवल्यूशनरी प्रोग्राम चालू हुआ है यहाँ से अब देखिए क्या हुआ फर्स्ट लेवल पे क्या है ना डिकॉइट्स है ना गांव-गांव में एक एक वॉयेंट ग्रुप्स बनते गए जो कि उन लोगों को डेकोइट ऐसा नहीं था कि उन लोगों को आपस में करना था उन लोगों को क्या था कि ब्रिटिशर्स को लूटना है और इसमें क्या था कि भाई ट्रेन लूटी गई थी इतना माल जब्त किया गया था जो गन्स आर्मरीज है ना ये सब जो आई थी ये हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने कहाँ से लिया था ब्रिटिशर्स से चुरा के किया था और जरूरी था क्योंकि वो लोग पैसा कहाँ से निकाल रहे थे वो लोग लो हम ही से निकाल रहे थे हम इन लोग को एक्सप्लॉइट करके दे वर यूजिंग अस एंड दे वर क्रिएटिंग देयर ओन कैपिटल एंड मनी एंड इन्वेस्टमेंट दे वर डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम आर मनी ठीक है तो रेवल्यूशनीस वहाँ पर आते हैं कि डेकॉइट्स बन गए थे फर्स्ट वर्ल्व के टाइम पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना है इसमें ठीक है अब सर्वे है सर्वे मतलब कि हुआ कहाँ कहाँ पर क्या क्या चलो देखिए बंगाल में अनुशीलान समिति में बता चुका हूँ शायद आप लोगों को लेकिन अगर नहीं याद होगा आप लोगों से या मैं नहीं बताएगा तो दोबारा सुन लीजिए अनुशीलान समिति जो है ये बंगाल में फाउंड आउट हुआ था आपको क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि अनुशीलान समिति वाज फाउंडेड बाय प्रमोथा मित्तर हुआ अनुश्लान समिति वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है अब यहाँ पे जवेंद्र नाथ बासु और प्रमोदा मित्तर इन दोनों का नाम हो सकता है ऑप्शन में आपको क्या करना है आपको कन्फ्यूज नहीं होगा कि नहीं नहीं यार फाउंडेड बाय तो प्रमोता मित्तर और जवेंद्र नाथ बासु भी था आपको अगर मोर देन वन ऑप्शन है तो आपको ऐसा नहीं कि एक यू सेट करना है प्रमोदा मित्तर को आप कर देंगे अगर मोर देन है मोर देन ऑप्शन में आप देख रहे हैं अगर वहाँ पर सिर्फ एक एक ऑप्शन भी अवेलेबल है उन चार ऑप्शन में कि जहाँ पर प्रमोथा मित्र ही सिर्फ लिखा हुआ है तो फिर प्रमोथा मित्र को आप करेंगे लेकिन अगर तीन दो से ज्यादा ऑप्शन हैं तो फिर आपको चंदेंद्र नाथ भी करना है प्रमोथा मित्र भी करना है क्योंकि एग्जामिनर वहाँ पर चाह रहा है कि आपको पूरा पता है याद है इस चीज़ को ठीक है तो इसको एज फैक्ट याद रखिएगा ये मिदनापुर में इंसिडेंट हुआ था मिदनापुर कहाँ था बंगाल में था ठीक है भाई चलो आगे चलते हैं अब यहाँ पर अनुशीलान जो हुआ था इसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर चालू हुए थे जो वीकली मैगजीन्स मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत टाइम से चालू हो रखे थे और बहुत चल भी रहा था जिसमें से वन ऑफ द था कि किसका था युगान्तर था एक तो युगान्तर कहाँ से ही बंगाल से आया था बरिंद्र कुमार धोश एंड भूपेंद्र दत्ता आप एक काम करिए आप जैसा मैंने बताया ना कभी भी टाइमिंग आते जाइए कि नाम लिखिए और सामने लिखिए युगान्तर इन दोनों का नाम सामने लिख दीजिए ईयर याद नहीं भी रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका ईयर का ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ ठीक है चलिए अब यह बिहारी घोष है एक बात याद रखिए राज बिहारी घोष अलग था और राज बिहारी बोस अलग है राज बिहारी घोष कौन से जो भाई कांग्रेस सेशन में प्रेसिडेंट बने थे जो चाहते थे मॉडरेट्स के भाई हमारे बने है ना और एक्स्ट्रीम मिसाल कि भाई या तो बाल गंगाधर तिलक बने या तो कोई और बने तो राज बिहारी घोष जो है वो अलग है राज बिहारी बोस अलग है तो बोस से आप याद रखिए कि बोस जो था जो बॉस बने जो जिसको बॉसी फीलिंग थी मतलब कि नहीं अब तो चेंज करना ही करना है पूरा चेंज चाहिए एंड सचिन चन्याल ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं राज बिहारी बोस एंड सजी सामनेल इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी दो, दोनों ने एक बना करके अपने आप सीक्रीट सोसाइटी बनाई थी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जो कि आपके किस चीज़ के लिए था मिलिटेंट अप्रोच के लिए था मिलिट्री एज एन लाइक कि भाई ठीक है ब्रिटिशर्स के साथ लूटपाट करनी है निकालना है चीज़ों को एक सीक्रेट सोसाइटी जहां पर इंफॉर्मेशन नॉर्मल लोगों को भी नहीं, है ब्रिटिशर्स का छोड़िए नॉर्मल लोगों को भी नहीं है सीक्रेट सोसाइटी का मतलब ये नहीं होता कि उसे ब्रिटिशर्स को नहीं पता है सीक्रेट सोसाइटी का मतलब ये पता है कि नॉर्मल जनता को भी नहीं पता है मॉडरेट्स को भी नहीं पता है है ना ये मतलब होता है चलिए ये आंसर मैंने बता दिया आपको दोनों बता दिए याद रखिएगा ये चीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से और पूछते रहते हैं एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है बहुत उसको पसंद है यहाँ से पूछना तो याद रखिए क्योंकि इसमें बहुत कम फैक्ट है अब जो भी चल रहा है अब सब फैक्चुअल चलेगा तो सब फैक्चुअल तो याद रखना है हैं फिलोसफिकल वे में नहीं जाना है हम लोग को अलीपुर कॉन्सप्रेसी केस पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि द अलीपुर कॉन्सपरी केस वॉज यूजअली कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग तो मनिक्टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी और मुरारीपुर कॉन्स्पिर ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है और यहाँ भी पूछा जा सकता है मैं ओपनली बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है इस पर ध्यान नहीं किया गया लेकिन अलीपुर में जो इन्वॉल्व थे उन पर गया है क्वेश्चन लेकिन वॉट इट कैन ऑल्टरनेट वॉट वॉज इट कॉल्ड एज अल्टरनेटिवली दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू मेक अ नोट ऑफ तो मनिकतोला बॉम्ब कॉन्स्पिरसी ठीक है चलिए यहाँ से पढ़ लिया हम लोगों ने ये चीज़ अब दोस्तों बात यह है कि इनमें ना बहुत सारे नाम हैं बहुत सारे नाम हैं इस स्पीच में आप हलो देखिएगा तो इसमें इतने सारे नाम हैं कि याद करते वक्त आपको दिमाग खराब हो जाएगा लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ एक उन चीज़ों के साथ जहाँ पर इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर कमिट हुई है क्राइम जहाँ पर नॉन वॉलेंस वौय, सॉरी वायलेंस जहाँ पर किया गया है आपको सिर्फ उनके नाम याद रखना है क्योंकि मॉडर्न इंडिया में इतने सारे रेवोल्यूशनरीज हैं इतने सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं कि हर किसी का नाम याद करना बर्दाश्त से बाहर है चलिए तो ये लोग आप एक बार देख लीजिएगा ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट था वो बता रहा था सत्यनाथ बोस एक ये वही है सब ये सब एक एक रिलेटेड नाम है इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम के लिए होगा इतना डीपली आपका एग्जाम नहीं जाएगा बस ओवरऑल व्यू लेते जाइए जो इंपॉर्टेंट नाम है वो बताते जा रहा हूँ मैं आपको ठीक है राज बिहारी बोस एंड सचिन धानियाल इन्होंने बॉम्ब अटैक किया था इस पर वॉइस राय हार्डिंग जे है ना अब देखिए वाइस रॉय हार्ड जो है तो इसका नाम जहाँ से याद आएगा क्योंकि दिल्ली में एक कॉलेज है दिल्ली में दैट इज लेडी हार्ड कॉलेज दैट इज फॉर द वुमेन ओनली एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया इन्हीं के नाम पर पड़ा था यहाँ पर और इन पर बॉम्ब अटैक किसने किया था राज बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने पूरा प्लान किया था ठीक है अब उसके बाद जो भी हुआ सजा जो भी हुई उससे बेटर नहीं करता आप लोगों आप को आपको इतना है कि हाँ भाई अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आ, मतलब एक दिमाग में रखना है पूछा भी नहीं जाएगा मैं रखता नहीं आपके एग्जाम में इतना डीप जाया जाएगा इस चीज़ को लेकिन हाँ ये दोनों नाम बहुत ज़रूरी है सदन सान्याल इज फॉर द पंजाब ठीक है राज बिहारी बोस तो आप जान ही रहे हैं बैगौल जुगंतर पार्टी है आया दोस्तों देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या था ना कि इंडिया के अब्रॉड में भी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज पहुँच चुके थे तो वो लोग क्या चाह रहे थे कि वहाँ से भी ऑपरेट किया जाए इंडिया के जो रेवोल्यूशन वॉर चल रहा है इंडिया जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसे बाहर से भी ऑपरेट किया जाए और जल्दी ही उस चीज़ को मतलब नहीं का अंजाम दिया जाए ब्रिटिशर्स को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स दिया जाए बाहर रह कर ताकि इन लोगों को खबर तक ना लगे तो उसमें एक जुकानदार पार्टी है ठीक है जो किस में था भाई उससे नाम क्या एसोसिएटेड है वो है राज बिहारी बोस मैंने बताया ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जतिन एंड राज बिहारी बोस क्या किया जा रहा था इस ग्रुप में इसमें आर्म्स जर्मन आर्म्स एंड नमिनेशन लिए जा रहे थे ठीक है सिंपैथी गेन करके और जो पैसे दे करके कि भाई हमारे कंट्री में इतना वॉर चल रहा है तो पैसे वैसे दीजिए हम लोग को आर्म्स एंड एम्यूनेशन चाहिए ठीक है इसको बोलते हैं जिम्मेमार प्लान जिम्मेमार प्लान कहीं भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए तो उसका हमने समझिएगा इट्स रिलेटेड विद द आर्म्स एंड एम्यूनेशन दैट वॉज इंडियंस वर प्रोक्योरिंग फ्रॉम द आउटसाइड नॉट फॉर विद इन इंडिया फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडिया ठीक है तो भाई जुगान्तर पार्टी ने फंड्स रेज़ किए थे अच्छे अच्छे तरीके से खरीदने के लिए और फंड्स रेज़ हो भी चुके थे तरीके से ठीक है चलिए आगे चलते हैं ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये न्यूज़ पे आते हैं न्यूज़पेपर देखिए जनरल से न्यूज़ पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इससे एक नए क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक से दो भी आ सकते हैं या एक भी आ सकता है ये आप लोगों पर है और पेपर तो किसी ने प्रिंट किया हुआ नहीं है लेकिन हाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर और आप लोगों को जानने की और याद करने की जरूरत है इन चीज़ों को तो संध्या है युगान्तर इन बंगाल ठीक है कालीन महाराष्ट्र मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है दोस्तों इसमें संध्या युगांतर, काल तीनों लिखे होंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग बंगाल महाराष्ट्र महाराष्ट्र अब आपको अगर काल पता है महाराष्ट्र तो फिर तो आप कर जाओगे क्वेश्चन को लेकिन संध्या एंड युगान्तर इन, इन बंगाल ये चीज याद रखने की आपको जरूरत है ये न्यूज पेपर थे वीडियो न्यूज पेपर थे इन दो याद करने की जरूरत है बाकी कुछ अपनी जरूरत नहीं है महाराष्ट्र रमोजी पीजेंट फोर्स मैं बता चुका हूँ वासुदेव बलवंत फाड़के जिन्होंने सुना है मेरे पिछले लेक्चर से उनको बता चुका हूँ कि भाई रमोजी पीजेंट फोर्स हुआ था जब हम लोगों ने पीजेंट Uh, जो रिवॉल्ट हुए थे उसमें पढ़ा था इनके बारे में हम लोगों ने ठीक है चलिए इसका बारे पढ़ने की जरूरत नहीं है बता चुका हूँ मैं आपको सावरकर एंड इज़ ब्रदर सावरकर ब्रदर्स वर वेरी फेमस ड्यूरिंग दोज टाइम्स बहुत दम था इन दोनों में कंट्री को आज़ादी लाने के लिए बहुत दम था इन लोगों ने अपनी आहुति भी बहुत अच्छे से दी थी ठीक है तो मित्र मेला इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था मित्र मेला मतलब क्या है कि भाई मित्र मतलब दोस्त मेला मतलब कि एक इंट मतलब एक ऑर्गेनाइज एक तरीके से एक फेयर लगा है राइट वेन एवरी पर्सन इज़ कमिंग आउट एंड ग्रीटिंग ईच अदर तो मित्र मतलब फ्रेंड्स इंटीग्रेशन समझ रहे हैं यहाँ भाई बहन का जो एक मिल, मन मिलाव होता है वो हिसाब से सोसाइटी विच इम विच मर्ज विद अभिनव भारत ठीक है अभिनव भारत का मैंने आपको उस समय बता रखा था अभिनव भारत कौन था यंग इटली जो उस समय मैंने पढ़ा था मजनी का जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था लेकिन बहुत ही यंग थे वो लोग जिन्होंने किया था और वो इटली के रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे इंडिया में है ना कहाँ पे हाँ बंगाल के आसपास तो ये चीजें याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ सकता है बाकी और कुछ नहीं इस पैराग्राफ में जहाँ से पूछा जा सकता है आपको पंजाब में जाएंगे तो भाई ज़मींदार और इन सब का चल रहा था हिसाब अजीत सिंह एक नाम आता है ठीक है जहाँ तक तो मैंने सचिन सान्याल का बोला था सचिन सान्याल का जो एक पंजाब को रिलेटेड है वो किसी किसी मैटर पर है हर मैटर में नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंटली वो नाम पंजाब से नहीं आता है वो नाम आता है आपका बंगाल से ही बेसिकली ठीक है लेकिन पंजाब की तरफ जाएंगे आप तो एक नाम आता है अजीत सिंह अजीत सिंह ये नाम याद रखिएगा ये पंजाब से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एक एक्स्ट्रामिट एक 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 मूवमेंट चालू किया था लाहौर में विच वॉज कॉल्ड एज अंजुमन ई मोहिस्बान ई वतन अंजुमानी मोहिस्बे ने वतन लाहौर में इन्होंने किया था ये ठीक है और इन्होंने जर्नल भी एक किया था भारत माता ये वो थे जिन्होंने इसी लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि भाई इनको उर्दू भी आती है है ना और इन्होंने हिंदी में एक भारत माता जर्नल भी चालू किया था तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे लोग इतने लिंग्विस्टिक थे मल्टी लिंग्विस्टिक थे कि भाई वो लोग बहुत सारी भाषाएं जानते थे तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में ठीक है तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन एब्रॉड का बता चुका हूँ मैं आपको लेकिन एब्रॉड के कुछ नाम और यहाँ पढ़ लीजिए आप श्याम जी कृष्णा वर्मा ये लंडन में इन्होंने चालू किया था इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडियन होम रूल सोसाइटी मतलब क्या है इंडिया घर है मेरा और वहाँ पर सिर्फ इंडियंस ही रूल करेंगे और कोई और रूल नहीं कर सकता है बस ये तो भाई सारा यही चल रहा था सारे ऑर्गेनाइजेशन यही चल रहे थे तो श्याम जी कृष्णा वर्मा इन्होंने लंदन में चालू किया था नाम याद रखिएगा इंडिया हाउस इंडिया हाउस ठीक है इंडिया हाउस से नाम याद रखिएगा इन इनका लंदन में इन्होंने चालू किया था और कौन सा जर्नल बनाया था इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी जो कि आपका यूपीएसए में ऑप्शनल भी होता है और जिसमें आप सोसाइटी के बारे में डिफरेंट वर्जन पढ़ते हैं ठीक है मदन लाल डिंगरा जिन्होंने इंडियन ऑफिसर ब्यूरोट को कुरजन वेली जो थी वहां पर उनको एसेसिनेट किया था याद रखने की ज़रूरत है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन याद रखने की ज़रूरत है ठीक है उसके बाद एक नाम आता है जो हम लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैट इज मादम मैडम भिखाजी कामा जिन्होंने बंदे मातरम निकाला था एक जनरल था बंदे मातरम निकाला था इन्होंने ठीक है और इस नाम का रखने की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन यही आ सकता है कि बंदे मातरम वॉज रिलेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज मैडम भिखाजी कामा गदर पार्टी ये बाहर थी दोस्तों इन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइज करे थे रिव्यूशनली एक्टिविटीज़ करने के लिए चाहते थे आर्म्स एंडिशन सब कुछ था ठीक है इनका हेडक्वार्टर कहा था भाई सैन फ्रांसिस्को में था याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में बार बार कि इनका हेडक्वार्टर कहा था सैन फ्रांसिस्को में इनका क्वार्टर था था ठीक है और और बेसिकली जो जो थे थे इंडिया से बाहर चले गए उनका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था ये पंजाब से गदर पार्टी बेसिकली पंजाबीज से फिल्ड थी ऑक्यूपाइड थी अब हुआ क्या कि यहां पर रेवल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए वहां पर एक हाउस बनाया गया दैट इज स्वदेश सेवक होम एट वैनकूवर एंड indian united uh, united india house at seattle Little. आपको क्वेश्चन इसके नाम के बीच में नहीं आएगा क्योंकि आज तक पूछा ही नहीं जाएगा इतना और जहां तक आपके kas एग्जाम की बात है तो यहां से दो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके स्वदेश सेवक होम वाज ऑरिजिनेटेड वेयर उसमें ऑप्शन आ जाएंगे बंगाल ओडिशा इंडिया अफ्रीका मतलब दुनिया भर के देश डाल देंगे और उसमें एक ऑप्शन होगा आपका वैंकूवर तो याद रखिएगा स्वदेश सेवक होम वाज ओरिजिनेटेड एट वैंकूवर इट वॉज क्रिएटेड एट वैनकूवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस वॉज क्रिएटेड एट सी ठीक है सी कंट्री है पॉइंट इज दैट कि ये सब आपको याद रखना है क्योंकि यहां पर मैच ऑफ द फॉलोइंग आ सकता है दोस्तों मैं लिटरली बोल रहा हूँ मैच ऑफ द फॉलोइंग या सीधा आपसे पूछा जाएगा वन लाइनर में दोनों तरीके से क्वेश्चन ऑरिजेंट तो हो सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट्स में एज रीजन में कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है आपके या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग आएंगे या तो वन लाइनर आएंगे ठीक है तो इन चीजों को याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं अब इसी बीच में कोमाटा गारू मारा इंसिडेंट हो गया था देखिए कोमाटा मारू क्या है कोमाटा गारू इस पर यूपीएससी का क्वेश्चन रहता था और बहुत बच्चों ने गलत भी किया था इनफैक्ट कोमाटा मारू जो है एक तरीके से एक शिप का नाम था ठीक है और लोगों को लगा कि भाई पता नहीं ये तो कुछ और है नाम जिन्होंने पढ़ा हुआ या दिमाग से निकल भी गया होगा कोमाटा मारू उज़ अ शिप जहाँ पर बट इंडियंस आ रहे थे इंडिया और नहीं सॉरी इंडियंस जा रहे थे ठीक है और उन्हें बीच रास्ते में रोक करके उन सभी को मार दिया था क्योंकि दे वर नॉट अलाउड एंड दे वर फायर्ड अपॉन तो बहुत सारे लोग मर गए थे वहां पर बहुत सारे लोग मर गए थे मतलब क्रक्स में यही है आपको इतना याद रखना है आपको ज्यादा कुछ नहीं है कोम क्या था एक नाम था शिप का तो इसमें कौन से रेवोल्यूशनरी इन्वॉल्व थे भाई सचिन सान्याल और राज बिहारी बोस मैंने बोला है जो उन्होंने मूवमेंट चालू किया था इनको गुस्सा आ गया था यार ये कैसे कर सकते हैं ये लोग है ना चलिए इवेल्युएशन ऑफ गदर वही है भाई सेकुलर अप्रोच लिया लेकिन मिलिटरी फेल्ड हो गए ये लोग मिलिट्री कि आपको पता ही है मिलिट्रिल कहाँ तक इंडिया अभी तक पहुँचाई नाइनटीन एटीन नाइनटीन फाइफटीन सेक्टर सेवनटीन की बात चल रही है इंडिया कहाँ मिलिट्रली उतना ज़्यादा एक्टिव हो पाया किस तरीके से कर पाया नहीं कर पाया तो भाई ये था कि कुछ समय लगे उन्हें अभी लेकिन नहीं हाँ लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग एक्टिव हो सकते थे चलिए ठीक है अब यूरोप में पहुँचाते हैं तो यूरोप में भी वैसे ही आपका है ठीक है यूरोप में भी आपका वही है कि यूरोप में आपके बाहर की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं लेस एंड लाइज बर्लिन कमेटी बनी बर्लिन इज इन यूरोप ठीक है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनी याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज स्टैब्लिश बाजरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और अंडर विच ऑफ द प्लान दैट इज इजरमैन प्लान क्या था आम से प्रोक्योर करना था एक फंड बनाना था लोगों से सहानुभूति लेनी थी भाई हमारे लिए कंट्री के लिए आप दीजिए पैसा हमारे पास पैसा नहीं है है ना चलिए याद रखिएगा बर्लिन कमेटी बाय इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस याद रखने की जरूरत नहीं है बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन कमेटी बाय वरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है इतना डीप में नहीं जाएगा ठीक है म्यूटनी इन सिंगापुर अब देखिए यार इसमें तो क्या है कि सीधी सी बात है कि तीन लोगों को सिंगापुर में म्यूटिनी कर दी गई थी चढ़ा दिया गया था फांसी में चढ़ा दिया गया था दैट इज़ लाइक जमादार अब्दुल गानी ठीक है चिश्ती खान एंड सुबेदार दाऊद खान इन टीनों को ऐसा था कि बटालियन में थे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये टॉपिक ठीक है बस ये तीन नाम याद रख लीजिएगा बस निकल रहे हैं लेक्चर से तो ठीक है चलो यार तीन नाम ऐसे ही बस ठीक है निकल गए हाल फिलहाल में डिक्लाइन हो गया अब यहाँ से टाइलमैन में आप जाएंगे तो जैसा मैंने बताया है कि पूरा बनाकर ही करना है आपको ज़रूरी नहीं है महाराष्ट्र में इन सारों को लेकर के लिखना है आपको इस तरीके से मतलब नोट्स बनाइए हैं कि महाराष्ट्र लिख दिया आपने कॉलम पे ऊपर और फिर लिख रहे हैं मित्र मेला ये ना नहीं महाराष्ट्र की जरूरत नहीं है ऐसे कन्फ्यूज रहिएगा डिफिकल्ट हो जाएगा याद करना लिखिए मित्र मेला सामने लिखिए सीक्रेट सोसाइटी बाय एंड एंड हिज ब्रदर इतना लिखिए इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र दैट्स ऑल सीक्रेट सोसाइटी मित्र मेला दैट्स ऑल इस हिसाब से बनाइएगा इसमें में, में। ठीक है चलिए नेक्स्ट चैप्टर होता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब देखिए दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था तो उससे मतलब क्या समझ आता है कि भाई ब्रिटेन का भी इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि वो तो पावर था उस टाइम पर अच्छा पैसा था उसके पास इंग्लैंड के पास तो अब इंडिया के सोल्जर्स इतने ज़्यादा थे कि भाई इन्वॉल्व करना था उन लोगों को तो भाई इन्वॉल्व किया है ना इन्वॉल्व करने के लिए क्या है भाई कुछ रखना पड़ेगा भाई कैट स्टिक खेलना पड़ेगा दोबारा से कैट स्टिक खेलना पड़ेगा डिवाइड एंड रूल तो यहाँ पे कर ही नहीं सकते अभी आप कि इंडियन मुस्लिम से दोबारा से कॉमिनल अवार्ड दे दिया आपने आप तो अभी कैट स्टिक खेलेंगे ना कि भाई चलो ठीक है अगर तुम्हारे सोल्जर्स आ गए हमारे पास हम लोग के साथ वर्ल्ड वॉर में गए तो भाई हम ये कर देंगे हम ये कर देंगे यहाँ से चालू हुआ यहाँ से दो चालू हुआ कि इंडियन समझने लग गए थे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट इन लोगों को जरूरत तो बहुत है अपनी अपन लोग भाव ज्यादा दे देते हैं है ना अपन लोग भाव ज़्यादा दे देते हैं इतना भाव देने की जरूरत नहीं है इन लोगों को जरूरत तो बहुत ज़्यादा है हम लोगों की फिजिकल फोर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है मैनुअल लेबर की अच्छा तो मॉडरेट का तो बताइए आपको रिस्पॉन्स क्या रहता है एक्सट्रीमिस्ट में जो थे तिलक साहब थे उन्होंने कहा कि भाई नहीं हम नहीं करेंगे हमें नहीं देना है सपोर्ट गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि नहीं यार हम भेज देते हैं ठीक है हम पीस को लेकर के हैं तो पीस जल्दी हो जाए इसलिए हम अपने सोल्जर्स भेज रहे हैं अब आई डोंट नो उसमें क्या हिस्ट्री थी पॉलिटिकल मोटिव तो नहीं होगा गांधी जी का कोई लेकिन क्या हिस्ट्री थी ये भगवान जाने ठीक है अपन को उतना पढ़ना है सिर्फ देखिए हम लोग को सिर्फ उतना पढ़ना है कि जितना बुक में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा बाहर इमोशंस नहीं जोड़ने हैं वी हैव टू रीड जस्ट टू सिक्योर मार्क्स और जस्ट टू गेन मार्क्स दैट्स ऑल इमोशंस नहीं जोड़ने हैं आप लोगों को होम रूल लीग मूवमेंट क्या है भाई अब होम रूल लीग मूवमेंट चालू हुआ मतलब कि यहाँ पर दो लोग थे इन लोगों ने दूसरा मैटर निकालने की कोशिश की कि भाई यार ऐसे नहीं हो रहा है तो चलो एक काम करते कांग्रेस से तो कुछ हो नहीं रहा है एक्सट्रीमिस्ट और कांग्रेस में तो भाई स्प्लिट हो रखा है अच्छा अच्छा तरीके से सूरत स्प्लिट रहा था ना आप लोगों ने आप में से किसी एक ने कमेंट भी किया है अरे सर ये नहीं लिखा है ये है अरे यार कभी कभी बोलते बोलते हो जाता है है ना कॉन्टिन्यूसली कोई इंसान बोल रहा है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ट्राई टू इग्नोर इट लेकिन अच्छा आपने बताया मुझे आप सिंसियर हैं सिंसियर स्टूडेंट हैं आई अंडरस्टैंड लेकिन कभी कभी क्या ना बोलते बोलते यार हो जाता है एक निकल जाता है गलत सेंस में निकल जाता है और वो खुद मुझे भी नहीं पता चलता है क्योंकि इतना कॉन्टेंसली बोल रहे हैं आप है ना चलिए होम रूल लीग मूवमेंट प्रोमिनेंट लीडर्स बाल गंगाधर तिलक एनी बेसिंत जी एस करपड़े एंड सर एस सुब्रमण्यम अय्यर देखिए दो नाम आपको याद रखने याद रखने आपको इतने सारे नाम याद नहीं रखने हैं दो नाम याद रखने दैट इज होम रूल में कौन से हैं गंगाधर तिलक एंड एन एनी बेसन इन्हीं दोनों ने बेसिकली होम रूल लीग मूवमेंट को बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ाया था स्प्रेड किया था ठीक है चलिए अब क्वेश्चन क्या होता है होम रूल होम रूल लीग मूवमेंट में क्या था कि भाई लोगों को बताना है जागरूक करना है अवेयर करना है कि भाई ये है नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म ये है कंट्री में आपको ब्रिटिश क्या करें यही था मकसद यही था इसके अलावा ज्यादा नहीं मतलब ब्रॉडली यही था ठीक है चलिए अब फैक्टर्स लीडिंग टू द मूवमेंट भाई अब वही है कि नॉर्मल समझिए अब फैक्टर्स लीडिंग द मूवमेंट वही लोगों को बर्डन हो रहा है अब कि क्या करें क्या नहीं करें कैसे करें कैसे नहीं करें इन चीज़ों को लेकर के इन्होंने दूसरा मैथड अपनाया था है कि इस तरीके से हम लोग अपना चलाते हैं है ना चलिए एनी बेसन द आयरिश थियोसोफिस्ट बेस्ड इन इंडिया सेंस एटीन अब ये बाहर की थी लेकिन इनको इंडियन कल्चर से बहुत पसंद था इन्हें इंडियन कल्चर बहुत पसंद था और इन्होंने इंडिया में योगदान भी अच्छा खासा डाला है ऐसा नहीं है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ठीक है इनका अच्छा खासा योगदान है वहाँ पर चलिए तो लीग्स बने भाई तिलक एंड बसंत रियलाइज्ड इन दोनों ने बनाया है अब बात यदि कि मॉडरेट और एक्सट्रीम एक दूसरे को हेट करते थे इन्होंने लगा कि भाई इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है पॉलिटिकल एसोसिएशन में इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है तो एनी बेसत ने क्या किया इन्होंने दो न्यूज़पेपर निकाले दैट इज न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ बहुत बार कन्फ्यूजिंग वे में पीएससी में और आपके पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन कि न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ नाम से ऐसा लगता है कि गांधी जी ने ही लिखा होगा ये कि न्यू इंडिया भाई ये तो कोई बाहर का क्यों लिखेगा ये तो इंडिया नहीं लिखेगा कोई और गांधी जी का गा नाम आ गया तो भाई गांधी जी लिखेंगे है ना कॉमनवेल्थ व्हील मतलब क्या आपके दम है ना कॉमनवेल्थ एक कॉमन फोर्स चल रही है तो दिस इज अ थिंग कि ये याद रखना आपको इन दोनों को कि ये एनी बेसंत ने ही लॉन्च किया था ठीक है बाकी का लेक्चर हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करते हैं दोस्तों और माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैं लेक्चर नहीं कंप्लीट कर पाया क्योंकि मेरे ड्यूटे पर्सनल रीजंस थे कुछ रीजंस थे मेरे लेकिन अब आपका दो तीन दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा पूरा मॉडर्न इंडिया और बहुत फास्ट तरीके से ले जाऊंगा बने रहिएगा मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से मैं ले जाऊँगा आपके लेक्चर्स को ख़त्म पर हम आ चुके हैं इट्स लाइक कि मान के चलिए सेवेंटी खत्म हो चुका है आपका ठीक है अब पास ही पहुँच रहे हैं हम लोग तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना लोग और पढ़ते रहिए कीप लर्निंग ओके चलिए टेक केयर ओके